दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्ती परीक्षाएं कुछ की होनी बाकी हैं, कुछ का रिजल्ट आना बाकी है। तो काफ़ी लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब तक आएगा, क्योंकि एग्ज़ाम कैलेंडर तो आपका आ नहीं रहा है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सोमवार सोमवार कह के कई बार सोमवार चले गए हैं और अभी तक कोई भी वीडियो बंद होगा या आपका जो सचिवालय रक्षक वाला था 3 भर्तियाँ होनी थी उसका परीक्षा कैलेंडर नहीं आ पाया है। हालांकि यहाँ पर टेंटेटिव डेट दे रखी कि लगभग लगभग मई जून में तक आपका परीक्षा करा दी जाएगी। परीक्षा कैलेंडर सोमवार को निकालने की बात कही थी लेकिन नहीं निकाला गया है। और वहीं अगर बात करूँ रिजल्ट को लेकर, तो रिजल्ट को लेकर जो है आयोग ने क्या कहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ दिन पहले अगर मैं बात करूँ तो जो पुलिस दूरसंचार वाले हैं कैंडिडेट जिनका अलग अलग यहाँ पर मांग चली हुई थी कि भर्ती का रिजल्ट जल्द से जल्द निकालने को लेकर, उससे पहले कनिष्क सहायक वाले भी गए थे, उनका डीबी का फाइनल लिस्ट मतलब निकालने को लेकर, डीबी कराने को लेकर। तो उसमें आयोग ने क्या कहा मैं आपको बता देता हूँ। लगभग लगभग 6 पेंडिंग में रिजल्ट हैं आपके, जिनमें से आपका दूरसंचार है, वाहन चालक है, कनिष्क सहायक, और फाइनल रिजल्ट निकालना है, आशुलिपिक है, और मेरे ख्याल से पिछले साल 2022 में जून की समथिंग में 2 और हुई थी उसके बाद वाहन चालक के बाद से, तो उनका रिजल्ट निकालना बाकी है। तो आयोग का कहना क्या है, जब ये वो लोग मिलने गए तो उसके बाद से आप जो है आयोग ने कहा कि लगभग लगभग हम इस मंथ, ठीक है, जो ये मंथ चल रखा आपका लगभग लगभग अप्रैल मंथ, अप्रैल के लास्ट वीक तक, ठीक है, या लास्ट वीक तक, या आपका सॉरी अप्रैल नहीं आपका मार्च है, ठीक है, और मार्च लास्ट वीक तक, और यहाँ पर जो आपका अप्रैल फर्स्ट वीक तक है, कनिष्क सहायक का डीबी के लिए हम लिस्ट निकाल देंगे और उसके बाद से आप जो वाहन चालक का रिजल्ट होगा, ठीक है। तो 2 रिजल्ट आपके यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, वाहन चालक का और डीबी, और यहाँ पर आपका कनिष्क सहायक वाले डीबी है, ये 2 जो है इस मंथ के लास्ट लास्ट में या उसके फर्स्ट वीक में, आपको अगले महीने के फर्स्ट वीक में ये 2 देखने को मिल सकते हैं। इस पर काम जोर शोर से चला हुआ है, फाइनल जो लिस्ट है डीबी की तैयार करने वाले हैं, सबसे पहले तो यही आने वाला है कनिष्क सहायक वाला, ठीक है। अब बाकी जो दूरसंचार वाले गए थे उनका जो है उसके बात करने के बाद, दूरसंचार वालों का लगभग लगभग अगले महीने के लास्ट लास्ट में या आपके मीट के बाद ही आ सकते हैं, लगभग लगभग मतलब कि मई तक भी जा सकता है यहाँ पर दूरसंचार वालों का, क्योंकि जो दूरसंचार वाले गए थे उन्होंने बता रखा है कि लगभग लगभग उनका कहना है कि अभी हम निकालेंगे बाद में, पहले यहाँ पर इनका जो कनिष्ठ सहायक वालों का है, वाहन चालक वालों का है, इनका रिजल्ट हम निकालने वाले हैं, क्योंकि रैंकर्स का निकाल दिया है इन्होंने। बाकी जो 2 पेंडिंग में है इन पर अभी काम चला हुआ है, क्योंकि इनका कहना यह है कि स्टाफ की कमी की वजह से यहाँ पर डाटा फीड नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से दिक्कत हो रही है यहाँ पर, ऐसा कहना है आयोग का। तो इस वजह से इतना टाइम लग रहा है और तभी थोड़ा सा आपका बाकी जो दूरसंचार वाला है उसके लगभग लगभग 1 महीना और वेट करना पड़ सकता है आपको, दूरसंचार वाले जो पूछ रहे थे, ठीक है। बाकी कनेक्ट सहायक है और जो यहाँ डीबी वाले कनेक्ट सहायक है उनका इस मंथ के लास्ट वीक में या हो सकता है कि अगले मंथ के फर्स्ट वीक में तक आपका डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। वाहन चालक उसके बाद आने वाले हैं, उसके हो सकता है कि 1 हफ्ते बाद आ जाए उसके, ठीक है। तो ये है पहले जो कि 2 भर्तियों का रिजल्ट आपका सबसे पहले देखने को मिलेगा, उसके बाद ही वाहन चालक बाकी अन्य पदों का होगा। और एग्जाम डेट की कोई अपडेट नहीं है, एग्जाम डेट अभी टेंटेटिव नहीं है, फिक्स नहीं हो पाई है, क्योंकि कोर्ट केस को लेकर भी है अभी, उसमें भी उनको जवाब देना है, तो इस वजह से वो डेट भी फिक्स नहीं कर पा रहे हैं आयोग वाले। तो टेंटेटिव डेट इसलिए दे रखी उन्होंने क्योंकि यहाँ पे मई जून तक जो है करने की बात कही है, हो सकता है कि बाकी पीछे भी जा सकता है अभी, क्योंकि कन्फर्म नहीं है कि अभी कोर्ट में उनका केस भी चला है, उनको जो है जवाब दाखिल करना है, अभी तक जो है अपनी जो है जवाब नहीं दिए हैं। और साथ में आप जो नकलची वाले हैं उनकी लिस्ट भी अभी तैयार हो रही है बीच में, ठीक है, उनकी लिस्ट भी लगभग लगभग 1-2 हफ्ते के बाद लिस्ट भी तैयार करने की बात कही है, कि वो जो कैंडिडेट है उनका पूरा का पूरा जो लिस्ट है वो आपको वेबसाइट पर देखने को मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर आयोग की तरह कहना है, ठीक है। तो यही अपडेट है जो मैं आपको बता दी है, और रिजल्ट को लेकर जो भी कन्फ्यूजन था आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा, जो फिलहाल अपडेट है आयोग के अनुसार मैंने आपको बता दिया, जो कैंडिडेट यहाँ पर गए हुए थे और लगातार रिजल्ट निकालने की मांग कर रहे थे अभ्यर्थी, क्योंकि परीक्षा कब हो कब नहीं कोई अता पता नहीं, लेकिन रिजल्ट को लेकर जो है काफ़ी लोग सीरियस हैं, तो इस वजह से आयोग से मिलने गए थे कई लोग।